नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, ढाबे की दाल का स्वाद किसी जादू की तरह सबके सर चढ़कर बोलता है। अगर वही ढाबे की दाल घर पर बन जाए तो कितना मजा आ जाए ना। जी हाँ दोस्तों, बना सकते हैं। जिसके लिए आपको चाहिए उड़द की दाल 1/3 कप, अरहर की दाल 1/3 कप, चना दाल 1/3 कप। इस तरह ये तीनों दालें मिलाकर 1 कप हो जाएंगी। दालों के साथ आपको चाहिए हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। दाल में तड़का लगाने के लिए आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच घी, 1 प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 10 कलियां लहसुन छोटे टुकड़ों में कटी हुई, अदरक 1 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, हरी मिर्च 2 छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 1 टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, हींग 1 चुटकी और जीरा 1 छोटा चम्मच। ढाबे की दाल बनाने के लिए सबसे पहले तीनों दालों को धोकर 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिए। अब एक प्रेशर कुकर में दाल, स्वादानुसार नमक, हल्दी और 2 गिलास पानी डालकर 2 सीटी आने तक पकाइए और इसे आंच से उतारकर अपने आप ठंडा होने दीजिए। बस अब आपको तैयार करना है तड़का, जिसके लिए आप एक पैन में घी गर्म कीजिए। इसमें जीरा और हींग डालकर तड़का लीजिए। फिर लहसुन, अदरक और प्याज डालकर गुलाबी होने तक मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालिए और मीडियम फ्लेम पर टमाटर नरम होने और घी छोड़ने तक इसे पका लीजिए। बस अब प्रेशर कुकर खोलिए और ये तड़का दाल पर डाल दीजिए। मजेदार ढाबा वाली दाल बनकर तैयार है। इसे परोसते टाइम इसमें गरम मसाला मिलाइए और इसे बटर और हरे धनिया से गार्निश करके परोसिए। दोस्तों, ऐसी ही इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।